देखिए यहाँ पर टॉपिक है एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण। अर्थात कोई वृक्ष है या कोई बिल्डिंग है, उसके ऊपर से अगर कोई बॉल को गिराते हैं हम लोग, तो उसका एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी समान होता है, चाहे वो किसी अन्य मास का हो। अर्थात कितना भी मास हो, सभी का जो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी समान होता है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे मान लिया जाए कि अर्थ है अगर आपका, और इसके ऊपर से एक बॉल को गिराया जा रहा है, बहुत ज़्यादा सेपरेशन ना हो, कुछ मीटर्स अगर हम लेते हैं, तो इनके बीच का सेपरेशन को इग्नोर किया जाता है, केवल आपका रेडियस ऑफ अर्थ लेंगे हम लोग, इसका भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, जी होता है। आज इसी के बारे में लोग चर्चा करेंगे। तो इन दोनों के बीच फोर्स कितना होगा, ये मास ऑफ अर्थ एम है और ये बॉडी का मास एम स्मॉल एम है, तो कितना होगा फोर्स इनके बीच में, एफ इजकल टू जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ बॉडी और बाई आर स्क्वायर। कुछ मीटर्स रहता है उसको हम लोग इग्नोर करते हैं, और ये आपका एफ बराबर एम ए होता है, उसी तरह हम लोग एम जी यहाँ कंसिडर करते हैं। एम से एम कैंसिल हो जाएगा, जी बराबर क्या होगा, जी एम बटा आर स्क्वायर। देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ का ही नहीं, किसी किसी अन्य भी अगर प्लेनेट का आप निकालना चाहें तो ये इससे आपका निकल जाएगा। और ये किन बातों पर निर्भर करता है, तो ये जी प्रोपोर्शनल टू मास द्रव्यमान बटा रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा। अर्थात कोई भी अगर प्लेनेट है, उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर निकालना हो, तो आपका जी तो कांस्टेंट रहेगा, मास उसका रखना होगा, और रेडियस का स्क्वायर रखेंगे तो आ जाएगा। और किस किस पर निर्भर करता है, किसके प्रोपोर्शनल होगा, आप सामने देख पा रहे हैं। अब इसका हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, जी इजकल टू 6.67 × 10⁻¹⁺ और मास ऑफ अर्थ हो गया 6 × 10⁻²⁴ बाई ये आर का मान हो गया 6,600 किलोमीटर, इसको 1,000 से मल्टीप्लाई करके मीटर में लाएंगे हम लोग। तो जी इक्वल टू कितना होगा, 6.67 × 10⁻ या पहले 6 लिख दिए, और ये आपका हो जाएगा 10⁻³, और ये हो जाएगा 64 × 64 और 3 × 2 = 5 का पावर कितना होगा, 10 का 10 हो जाएगा। तो और हम कैलकुलेट कर ले थोड़ा, इंटू 6/64 × 64 और 10³ हो जाएगा आपका। आप इसको आप कैलकुलेटर लगाएंगे तो कितना आएगा आप कर लीजिएगा, लेकिन हम अप्रोक्स लिख देते हैं आपको। ये देखिए लगभग 9.8 आता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप यहां से एकदम निश्चिंत रहिए, उसको कीजिएगा तो आ जाएगा 9.77 आता है। अब देखा जाए यहाँ पर कि जी का कितना वैल्यू होता है, ये सब हम लोग यहाँ देख लें। जी का आपको मिलेगा 9.8 m/s², जी का मान कभी कभी 10 लिया जाता है, जी का मान पाई स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। देखिए पाई होता है 3.14, इसका वैल्यू अगर पाई स्क्वायर करेंगे तो 9.8 आ जाएगा। बहुत सारे कैलकुलेशन में हम लोग को ये मदद करता है ये वैल्यू। और जी का मान 980 cm/s², जी का मान 32 ft/s² हो जाएगा। देखिए फिजिक्स में इतना हम लोग यूज करते हैं इसको, जी का डिफरेंट वैल्यू है, डिफरेंट यूनिट्स में है, फिट में हम लोग बदल सकते हैं उसको। अब देखा जाए इसमें, इसी में हम लोग देखते हैं मीन डेंसिटी ऑफ अर्थ। मीन डेंसिटी ऑफ अर्थ कैसे निकलता है, मीन डेंसिटी ऑफ अर्थ, मीन डेंसिटी ऑफ अर्थ, पृथ्वी का माध्य घनत्व। ऐसे देखिए ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है तो आप याद रख सकते हैं, 5.51 g/cm³ की होता है। ये डायरेक्ट भी आप याद रख सकते हैं इसको, 5.51 g/cm³। कैसे निकलेगा, तो जी बराबर होता है जी एम बटा आर स्क्वायर। देखिए पूरी तरह पृथ्वी स्फेरिकल नहीं है, लेकिन हम लोग मान के चलते हैं इसको,
ये देखिए आपका आर है, और इसके डेंसिटी को, मीन डेंसिटी को रो मान लिया जाए। डेंसिटी बराबर होता है मास बाई वॉल्यूम, एम बराबर होगा रो भी, और एम इक्वल टू रो, और वॉल्यूम इसका कितना लिया जाएगा, स्फीयर है तो 4/3 πr³ हो जाएगा। अब इसमें इसका वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो जी इक्वल टू कितना होगा, जी बाय आर स्क्वायर और रो इंटू 4/3 πr³। देखिए यहाँ कट जाएगा, यहाँ पर एक ही आर बचेगा, तो जी इंटू रो इंटू 4πr हो जाएगा, और नीचे भी एक 3 बच गया है ना, तो रो का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा, रो 3g/4πgr हो जाएगा। देखिए आप कहीं भी, यही नहीं और प्लेनेट का भी निकालना चाहते हैं, उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ रख देंगे, और जी और आर का मान रख के आप निकाल सकते हैं। तो इसका वैल्यू कैसे हम रख देते हैं, आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो आ जाएगा कितना हो जाएगा, रो बराबर 3 × 9.8/4, और पाई का मान हो जाएगा 3.14 × 6.67 × 10⁻¹⁺ × 6601 × 6601 × 6601। देखिए ये जो वैल्यू आया ना kg/m³। देखिए हम लोग जो वहां वैल्यू लिखे हैं वो g/cm³ में लिखा हुआ है, तो उसको भी हम लोग कन्वर्ट करके, या इसको कन्वर्ट कर ले यहीं पर, कुछ मदद मिल जाएगा। और कैलकुलेशन करेंगे तो 3 × 9.8/4 × 3.14 × 6.67 और × 64, एक तरफ कर ले डिजिट को, × 10⁻¹। देखिए कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 6 5 11, तो -6 हो जाएगा यहाँ kg/m³। अब देखिए kg/m² को हम लोग जब चेंज करेंगे, kg/m³ अगर है तो 1000 ग्राम हो जाएगा, और ये 100 सेंटीमीटर है तो 10⁶ cm², तो kg/m³ को हम लोग लिख सकते हैं 10⁻³ हो जाएगा ऊपर जाकर के, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। यहां से डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको करने में आसानी हो जाएगा। देखिए तो यहां पर हो जाएगा ρ = 3, यहां पर एक कम से कम गुना कर दे, 3 के 24 की 4, हाथ में 2 9 27 2 29, और ये हो जाएगा आपका नीचे में हो जाएगा 4 × 3.14 × 6.67 और ये 10⁻¹ × 64 × 10⁻⁶। और ये kg/m² को हम लोग वहां से कर लें, देख ले फिर से एक बार रिपीट कर ले, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 10⁻²² हो गया, उसका क्यू है तो 6 हो जाएगा, और ये 3 × 10 है आपका, माने 3 0 है तो ऊपर चला गया, तो क्या होगा, -3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई कर ले, 10⁻³, ये हो जाएगा आपका डायरेक्ट g/cm³। तो अब देखिए यहां से ये कैंसिल होगा और ऊपर चला जाएगा, कितना होगा, 29.4 × ये 3 − 3 − 3 चला जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा क्यू हो जाएगा ऊपर, 4 × 3.14 × 6.67 × 64। अब आराम से आप कर लीजिए, डायरेक्ट आपको आंसर आ जाएगा इसमें, जब करेंगे तो आपका आ जाएगा अप्रोक्स 5.51 g/cm³। लिखने का और तरीका है, 5.51 g/cc भी लिखा जाता है, आप याद रखिएगा, ये बड़ा ऑब्जेक्टिव में आता रहता है। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड मीन डेंसिटी ऑफ अर्थ, ये हम लोगों ने पढ़ा, और किसी भी प्लेनेट का जो मीन डेंसिटी है किन बातों पर निर्भर करता है उसको भी हम लोगों ने देखा। तो आप इसको याद रख सकते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ओके।